हे गाइस, तो ये है सोनपुर मेला 2024 का पार्ट टू वीडियो जो कि बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ मैं सबसे पहले ओखली के साथ थोड़ा सा फोटो शूट करवा रही थी जो कि जनरली हमारे गांव में यूज किया जाता है। आप 48 किलो है, 48 किलो है। ओए, लग गया। गुड। हे गाइस, तो अब मैं जा रही थी सोनपुर 2024 स्टेज शो प्रोग्राम में। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा करवाया अपना रील शूट जो कि आपको मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे देखने को मिलेगा। Hey guys, तो अभी हम ले रहे हैं विंटर का कुछ कलेक्शन, ठीक है। डेली यूज के लिए काफी अच्छा कलेक्शन है यहाँ पे, तो अभी सेट हम लोग लिए हैं क्योंकि अभी पैकिंग पे, ठीक है। आप लोग को दिखाई नहीं देता श्री मोटरसाइकिल का हटर फटर का। गाइस, तो मिस्टर राज यहाँ पे ले रहे थे टॉय ट्रेन का टिकट आरब के लिए। गाइज, तो फाइनली आरव एंजॉय कर रहा है टॉय ट्रेन को। बहुत वेट करने के बाद इसे फाइनली मिल गया टॉय ट्रेन पे बैठने को। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसे देख करके क्योंकि आरव बहुत ही ज़्यादा हैप्पी था एंड हमेशा से उसका ये फेवरेट झूला है टॉय ट्रेन। हे गाइस, तो कुछ ऐसा नज़ारा है सोनपुर मेला का। यहाँ पे यार चलना बहुत मुश्किल है, अभी तो थोड़ा कम भी है, धीरे धीरे भीड़ और बढ़ती जा रहा है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी यहाँ से मैं निकलूँ क्योंकि मेरे लिए भाई पॉसिबल नहीं है ठीक है अभी में चलना क्योंकि भीड़ काफ़ी ज़्यादा पीछे देख रही है एंड मैं आपको दर्शन दे रही हूँ। हे गाइस, सोनपुर का ये ऑल टाइप्स फेमस अचार एंड ये मियां मिठाई जिसे हम पापड़ी भी कहते हैं, आप लोग पता नहीं क्या बोलते हो बट मैं तो इसे पापड़ी एंड मियां मिठाई बोलती हूँ, जिसका वेट मैं हर साल करती हूँ। अचार का तो मुझे पता नहीं क्योंकि अचार खाने में मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, बट मैं इसका वेट ज़रूर करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होता है। क्या आप लोग भी इसका वेट करते हैं? गाइज, यहाँ पे मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी क्योंकि यहाँ पे मेरे कुछ फॉलोवर्स मिले थे एंड उनसे मिलकर के मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा था। सो थैंक यू सो मच आप सभी का दिल से, जो लोग भी मुझे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं। हे गाइज,
गाइस, तो फाइनली वो पल आ चुका है जिस पल का पर्सनली मुझे वेट था बहुत टाइम से। एंड हम दोनों ने टिकट ले लिया है ब्रेक डांस का, क्योंकि आज जो मैं ब्रेक डांस पे जा रही हूँ मिस्टर राज के साथ, अभी तक का ये मेरा फर्स्ट टाइम होगा, क्योंकि आज से पहले मैंने कभी भी मिस्टर राज के साथ किसी भी झूले पे या फिर ब्रेक डांस पे नहीं गई हूँ। तो मैं बहुत ही ज़्यादा हैप्पी थी इस चीज़ को लेकर के कि मैं मिस्टर राज के साथ जा रही हूँ। सो आई एम वेरी हैप्पी। Yeah. I wake up to a little bit of drool on my pillow, feel like it's gonna be a bad day. Yeah, I'm tired of shit and the coffee ain't hit yet, damn ain't that great. I don't wanna go to work cause my boss is a jerk and I'm not even that paid. I need a Hey guys, तो अब हम लोग आ चुके हैं चिड़िया बाजार में, जो कि सोनपुर मेला का एक खास हिस्सा होता है। हमेशा की तरह इस बार भी चिड़िया बाजार बहुत ही अच्छे तरीके से लगाया गया था एंड यहाँ भी लोगों का भीड़ एकदम इकट्ठा हो जाता है इसे देखने के लिए एंड ख़रीदने के लिए। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पक्षी एंड जानवर थे जो कि हम घर में रखना पसंद करते हैं, जिन्हें हम पालते हैं। बहुत ही प्यारा प्यारा पक्षी जानवर यहाँ पे था, तो बहुत सारे लोगों ने ख़रीदा क्योंकि यहाँ पे सेल के लिए लाया जाता है, तो अपने अकॉर्डिंग लोग ख़रीदते हैं। जो एंटर गेट है वहाँ पे है, यहाँ से मुझे एक छोटा सा सामान लेना है जो कि आरब के लिए है, स्टडी टेबल। ठीक है, मैं आप सभी को दिखा रही हूँ अभी। इतना सुंदर कलेक्शन है स्टडी टेबल का, बहुत ही प्यारा मुझे लगा, तो मैं सोची कि चलो मैं एक बार आप सभी को दिखाती हूँ। ठीक है, तो ये है वो शॉप जहाँ से मुझे आरब के लिए लेना है स्टडी टेबल। बहुत ही सुंदर सुंदर कलेक्शन है इनके पास, एक से बढ़ के एक प्रिंट और डिज़ाइन में है। एंड यहाँ पे कुछ खिलौना भी रखा गया है बच्चों के लिए, तो देखती हूँ अभी आरब को कौन सा पसंद आता है, फिर हम लेंगे आरब के लिए एक स्टडी टेबल। एंड उसके साथ ये बहुत ही प्यारा सा स्टूल भी मिल रहा है, जो इस तरीके का स्टूल है। बेन 10 आरब या स्पाइडरमैन? स्पाइडरमैन ले लीजिए। स्टेशन एंड यहाँ से हम अभी लेंगे घर के लिए ऑटो, एंड उससे पहले कुछ खाने का चीज लेंगे, फिर हम चलेंगे घर की तरफ। एंड फाइनली इस वाले ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे एंड। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।